सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सुनैना माइक्रम आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को, साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करिएगा मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को माइक्रम के थ्रेड का बहुत ही सुंदर सा इजी सा माइक्रम का की होल्डर बनाना बताऊंगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चाहिए माइक्रम का येलो कलर का थ्रेड, और उसके बाद हमें मटका बीट्स चाहिए, यहाँ पे हमें इस तरह की हुक चाहिए, लाइटर चाहिए, रेड कलर का बेल्स चाहिए एंड सीजर चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने येलो कलर के दो कॉर्ड जो है इसे ले लिए हैं, और इस कॉर्ड को फ्रेंड्स मैंने 3 मीटर में कट किए हैं। तो जो कट किया हुआ आगे का हिस्सा है उसे देखिए इस तरह से एक तरफ कर लेना है। दोनों तरफ का जो कटा हुआ हिस्सा है हम एक तरफ करके ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 4 कॉर्ड्स इस तरह से हो गए, यानी जो कॉर्ड है हमारा 3 मीटर का वो डबल हो जाता है। उसके बाद बीच का जो पॉइंट है 3 मीटर का, उन दोनों कॉर्ड्स को ले लेना है और एक बड़े से पिन से इस तरह से सेटल कर लेना है। तो अभी ये 2 कॉर्ड ले लेना है, और एक बार कॉर्ड के नीचे से और एक बार कॉर्ड के ऊपर से इस तरह से हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। एक बार ऊपर से, फिर से एक बार नीचे से, इस तरह से हम यहाँ पे नॉट लगा के हुक तैयार करेंगे। तो एक तरफ का हमारा 4 नॉट बन गया है। अभी दूसरी तरफ आ जाना है, यहाँ पे फिर से सेम जैसे पहले वाले में नॉट लगाए हैं दूसरी तरफ, वैसे इस तरफ भी नॉट लगाना है। तो एक बार कॉर्ड के ऊपर से हमें कॉर्ड को चलाना है, एक बार कॉर्ड के नीचे से। मैंने आपको पहले भी इस तरह का मतलब ये जो नॉट है हुक है बनाना बताया है, वही सेम यहाँ पे प्रोसीजर है, कॉर्ड के ऊपर से और कॉर्ड के नीचे से कॉर्ड को चला के नॉट लगाना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो हुक है उसका जो नॉट है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी दोनों तरफ 4 4 मैंने बना दिए हैं। टोटल यहाँ पे 8 नॉट हमारा बन चुका है। अभी यहाँ पे हमें मिल गए हैं 4 कॉर्ड, तो इनको लेके यहाँ पे हम लगाएंगे सिंपल स्क्वायर नॉट। तो इससे क्या होगा, ये जो हुक है पैक हो जाएगा, तो आप इसे कहीं भी इजीली किसी भी जगह पे टांग सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर का जो प्रोसेसर है वो बनके कंप्लीट हो गया है। इसकी जगह पे आप रिंग वगैरह भी लगा सकते हो। अब बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड्स को अटैच करने की। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया है, 2.5 मीटर का कॉर्ड कट किया है, 2.5 मीटर का, और इस तरह से इन कॉर्ड्स का बीच का जो पॉइंट है कॉर्ड्स का इस तरह से क्रॉस में लेके और यहाँ पे हम नॉट तैयार कर लेंगे एक। तो इस नॉट का इस्तेमाल हम ज़्यादा करके जो बैग वगैरह बनाते हैं, साइड बैग, हैंड पर्स वगैरह, उसमें हम इस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस नॉट का यहाँ पे भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो एक्स्ट्रा कॉर्ड हमें अटैच करना है, तो इस तरह का नॉट हमें यहाँ पर लगाना है एक्स्ट्रा में। तो अभी ये 2 कॉर्ड यहाँ से देखिए इस तरह से, 2 अंदर से और 2 जो हमने लगाया उसमें से इस तरह से कॉर्ड ले लेना है। तो टोटल 4 कॉर्ड्स हो गए हैं। अब इसे लेके हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपल स्क्वायर नॉट, यानी जो एक्स्ट्रा हमारा कॉर्ड है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एकदम आराम से लगा लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट खींच के नहीं लगाना है। ये देखिए एकदम आराम से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच कर लेना नॉट को। तो इसी तरह से भी दूसरी तरफ आ जाना है, और यहाँ पर भी देखिए एक नॉट मैंने पहले तैयार कर लिया है, और इसको भी दूसरी तरफ हमें अटैच कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाला किया है वैसे ही सेम हमें दूसरी तरफ भी नॉट को अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट जो है हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है इतना कंप्लीट करने के बाद, और फिर से हम नॉट लगाएंगे। तो स्टार्टिंग से हमें 4 कॉर्ड्स लेना है और नॉट लगाना है। तो इसी तरह से ये जो लाइन है 4 4 कॉर्ड्स को लेके लगा लेंगे नॉट इस लाइन में। सो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नॉट लगा लिए हैं। तो 1 2 3 टोटल 3 नॉट हमारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अभी दोनों तरफ से साइड साइड से हम 2 2 कॉर्ड को छोड़ देंगे, और फिर से हम बीच में जो 4 4 कॉर्ड्स हैं उनको लेके और बीच में 2 नॉट हम बना के तैयार करेंगे। 2 नॉट्स हमें बीच में मतलब अंदर की तरफ 2 नॉट बना के ले लेना है।
तो फ्रेंड्स अभी दो नॉट लगाने के बाद अभी लास्ट में हमें क्या करना है, एक नॉट बनाना है, यानी देखिए फोर कॉर्ड्स मिले हैं तो एक नॉट यहाँ पे लास्ट में लगा लेंगे। तो इस तरह से जो ऊपर का ये जो नॉट वाला डिज़ाइन है बन के हमारा हो गया है कम्प्लीट। तो इतना हमने यहाँ पर पूरा करके ले लिया है। सो फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ पर नॉट लगाने की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड से दोनों तरफ से फोर फोर कॉर्ड को अलग कर लेंगे, यानी साइड कर लेंगे। बीच के जो फोर कॉर्ड्स हैं उनको लेना है, उनमें से भी हमें दो कॉर्ड लेना है। और इस तरह से कॉर्ड को एक बार राइट हैंड से एक बार लेफ्ट हैंड से, यानी दोनों कॉर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर राइट एंड लेफ्ट से हमें क्या करना है, रैप करके लेना है। और फिर से हमें यहाँ पे दो कॉर्ड्स को ले लेना है, और इस पर भी हमें एक बार राइट हैंड से और एक बार लेफ्ट हैंड से इस तरह से कॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर रैप करके फिर से हमें नॉट बना लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे बीच का जो नॉट है बनके हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने एक बराबर में नॉट लगाए हैं, तो यहाँ पे अभी हम काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से मतलब 10 टाइम अगर आप कॉर्ड्स को लेफ्ट एंड राइट से चलाएंगे तो यहाँ पे 5 नॉट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए फोर कॉर्ड्स हैं, तो बीच के जो दो कॉर्ड्स हैं उनमें मैं एक बीट्स डाल दूँगी। तो यहाँ पर मटका शेप का इस्तेमाल कर रही हूँ बीट्स का, तो छोटा बीट्स डाल रही हूँ ताकि जो नॉट है वो ज़्यादा फैले नहीं छोटे बीट्स को डालने के बाद, यानी नॉट लगाने के बाद। तो छोटा बीट्स डाल के यहाँ पे हमें एक नॉट लगा लेना है, तो सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे हमें लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से जो नॉट है हमारा कंप्लीट हो गया लगा के। इसके बाद साइड वाले फिर से दो कॉर्ड ले लेने हैं हमें, और फिर से लेफ्ट एंड राइट वाला जो नॉट है हमारा उसको यहाँ पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे बीट्स के साथ जो नॉट लगाया है वहाँ तक हमें क्या करना है, नॉट को साइड वाले कॉर्ड में नॉट बना के लेना है। तो यहाँ पे हमारा नॉट कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मैंने 8 नॉट यहाँ पे लगाए, यानी अगर आप 16 टाइम कॉर्ड को चलाएंगे लेफ्ट एंड राइट से तो 8 नॉट यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारा नॉट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा शेप दे देना है राउंड में, और इसके बाद अभी ये फोर कॉर्ड्स को लेके और यहाँ पर अभी नॉट लगा लेना है। और इसी तरह से फिर से हमें इस साइड वाले फिर से टू कॉर्ड्स को ले लेने हैं और लेफ्ट एंड राइट हैंड का नॉट लगा के यहाँ पर भी लेना है। सो यहाँ पे अभी नॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 यानी 11 नॉट मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले 5 फिर 8 फिर 11, आप 12 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब फिर से भी इस वाले जो नॉट के कॉर्ड हैं उनको भी हमें यहाँ पे साइड वाले कॉर्ड के साथ यानी नॉट के साथ हमें अटैच कर देना है सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के। तो इस तरह से फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी मैंने लेफ्ट एंड राइट हैंड का नॉट लगा के और नीचे वाले नॉट के साथ कॉर्ड्स को मैंने अटैच करके ले लिया। तो ये पूरा हो गया ऊपर का हिस्सा। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हमें फिर से यहाँ पे नॉट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फोर कॉर्ड्स मिल जाएंगे बीच में, और इनको लेके हम फिर से यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स नॉट कंप्लीट हो गया है। तो पहले 1 फिर 2 फिर लास्ट में 3, फिर इसी तरह से अभी हमें 2 और 1 का नॉट लगाना है। तो साइड साइड से दो दो कॉर्ड हमें छोड़ देना है,
और अभी हमें ये देखिए बीच में टोटल 8 कॉर्ड मिले हैं, तो 4-4 कॉर्ड्स को लेके पहले हमें दो नॉट यहाँ पे बना के लेना है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ पे फिर से हमें जैसे ऊपर नॉट लगाया है लेफ्ट एंड राइट हैंड का, वैसे बीच में फिर से नॉट लगाने की। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉर्ड्स हैं जिनमें से हम दो कॉर्ड को लेंगे और इस तरह से एक बार राइट हैंड से और एक बार लेफ्ट हैंड से कॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर हमें रैप करके यहाँ पर नॉट को बना लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैंने नॉट को कंप्लीट करने के बाद यानी 5-5 नॉट मैंने दोनों तरफ लगा दिए लेफ्ट एंड राइट हैंड से, बीच में यहाँ पे जो 4 कॉर्ड्स थे उनमें एक बीट्स डाल दिया है मटका शेप का, और बीट्स को डालने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे सिंपल स्क्वायर नॉट। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट कम्प्लीट हो गया हमारा। इसके बाद फिर से जैसे यहाँ पे ये देखिए हमने नॉट लगाया है साइड में कॉर्ड्स में, उसी तरह से हम नॉट लगा के और यहाँ पे बीट्स वाले जो नॉट है उसके साथ अटैच करते जाएंगे। तो जैसे ऊपर हमने बनाया है सेम वही प्रोसीजर हमारा नीचे की तरफ भी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। तो 1, 2, 3 टोटल मैंने 3 यहाँ पे डिज़ाइन बनाए। आप चाहते हैं बड़ा बनाना इसे तो नीचे भी आप एक दो डिज़ाइन नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं, बट मैंने छोटा ही रखा है। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन हमारा बन के हो गया पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो कॉर्ड्स हैं नीचे की तरफ इन्हें हमें कट करना है। तो 4 इंच पे मैं बीच वाला जो कॉर्ड है 4 इंच पे कट कर रही हूँ, और इसी को लेते हुए यानी इसी की गाइडलाइन के हिसाब से मैं जो बाकी कॉर्ड्स हैं उनको क्रॉस में कट करूँगी। तो इस तरह से हमें सीज़र से कॉर्ड्स को क्रॉस में कट कर लेना है। तो दूसरी तरफ भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी कॉर्ड हमने कट कर लिया है। इसके बाद अब बारी आती है बेल और बीट्स लगाने की। तो यहाँ से हमें इस तरह से दो कॉर्ड ले लेना है और इसमें पहले एक मटका शेप का बीट्स डाल देना है। छोटे बीट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद बीट्स को डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम रेड कलर का एक बेल्स डाल देंगे कॉर्ड में। बेल्स को डालने के बाद लाइटर की मदद से दोनों कॉर्ड को हम हल्का सा मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा मेल्ट करना है और साथ में इन दोनों को इस तरह से चिपका देना है। तो ये हमारा यहाँ पे एक कॉर्ड में बेल और बीट्स लग गया है। इसी प्रोसीजर से फिर से हमें दो कॉर्ड ले लेना है, मटका शेप का बीट्स डाल देंगे इसमें और फिर से एक रेड कलर का बीट्स डालेंगे और उसके बाद लाइटर से हल्का सा दोनों कॉर्ड को मेल्ट करके और साथ में चिपका देंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कॉर्ड्स में बीट्स और बेल्स को लगा के ले लेना, यानी यहाँ पे जितने भी अभी बचे हुए कॉर्ड्स हैं तो इसी तरह से दो दो की जोड़ी बनाते हुए और उसमें एक एक बीट्स और बेल्स को लगा के और यहाँ पे अभी पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे की तरफ मैंने कॉर्ड्स में बीट्स और बेल्स लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा सिंपल सा डिज़ाइन था जिससे मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पर हुक लगाने की। तो इस तरह से हुक को ज़रा सा फैला लेना है जिससे कि कॉर्ड्स में आसानी से फंस जाए, और फैलाने के बाद यहाँ पे ऊपर जो नॉट है उनमें से इस तरह से हमें इस हुक को निकाल लेना है, एकदम आराम से लगाना है ये देखिए। और इस तरह से जब हुक फंस जाए तो हुक का जो मुंह है उसे दबा के बंद कर देना है। फिर से सेकेंड वाला ले लेंगे, इसको भी ज़रा सा फैला लेना है हुक को और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फिर से फंसा लेंगे। और इसका मुंह जो है इसको बंद कर देंगे इस तरह से दबा के। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे नीचे की तरफ भी दो हुक लगा के ले लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टोटल 4 हुक्स लगा के कंप्लीट कर लिए हैं
और ये पूरा जो कि होल्डर है बनके हो गया है अच्छी तरह से कंप्लीट। बहुत ही इजी सा सिंपल सा डिज़ाइन है जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा आगे के वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।